आप सबको पता है कि लोकसभा के अंदर एक बहुत ऐसा मामला जो हर रांची वासियों के दिल में है, पहाड़ी बाबा हर के दिल में है। पहाड़ी बाबा हम सबके अभिभावक हैं पूरे झारखंड के। हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी धर्म किसी संप्रदाय के हमारे अभिभावक है भाई, हमारी संस्कृति है, तो पहाड़ी बाबा को वहीं से प्रणाम कर लिया। हमारे पर्यावरणविद हैं नितेश प्रियदर्शनी जी, उनका एक आकलन आया है कि वो जो पहाड़ी है वो भुरभुरी मिट्टी है, और वो भुरभुरी मिट्टी ही धीरे धीरे धस रही है ये, और ये उनका शोध कह रहा है कि ये हिमालय के काल का पहाड़ है, उस हजारों साल पहले का। उनका शोध कह रहा है नीतीश प्रियदर्शनी जी का। तो आगे संकट हो सकता है, पहाड़ी एक धस भी रही है और अतिक्रमण भी हो रहा है। तो हमारी कई मरतबा बात हुई यहां उपायुक्त से सरकारी स्तर पर कि कहीं, और घनी आबादी के बीच में है पहाड़ी, अगल बगल सराउंडिंग में हजारों हजार लोग रहते हैं, 30 से 40 हजार लोग रहते हैं, कहीं ईश्वर न करे कुछ हो, अगर कहीं वो भुरभुरी मिट्टी धस गई तो एक प्रलयकारी समय देखने को मिलेगा। उसके पहले, क्योंकि इन्होंने शंका प्रकट की है पर्यावरणविद ने, उसके पहले हमने कहा कि उसको बोल्डर से बांधा जाए, लोहे के जाली से बांध दिया जाए ताकि पहाड़ी सुरक्षित रहे, अतिक्रमण भी ना हो और कोई आने वाले कोई संकट को हम झेल पाए। कई मरतबा हमने कहा लेकिन स्थानीय सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखती, इसीलिए आज से 5 दिन पहले हमने लोकसभा के पटल पर यह मांग रखी कि भारत सरकार जो राज्य सरकार अनदेखी कर रही है, कल के संकट को नहीं समझ रही है, तो इस पहाड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व और स्मारक घोषित कर इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। ये एक हमने लोकसभा में हमने एक मांग रखी, और इस बार इस छोटे से सेशन में, बजट सेशन का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट 13 मार्च से शुरू होगा 6 अप्रैल तक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।